नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री कांत कुमार, आप देख रहे टू जेड टोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों आधार कार्ड की बहुत ही बड़ी अपडेट। दोस्तों अगर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट करवाए हैं, जैसे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करवाए हैं और काफ़ी दिन हो गया है अपडेट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आधार कार्ड में अपडेट किया हुआ ज़्यादा दिन हो गया है तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे एक्सेप्ट करवाना है, कैसे अप्रूव होगा, कैसे अपडेट होगा, सारा कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है SSUP, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक सर्विस देखने के लिए मिल जाता है, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस का सर्विस। इस सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपना आधार कार्ड में खुद से ही अपडेट किए हैं तो सबसे पहले आपको मिला होगा SR नंबर या फिर URA नंबर मिला होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे SR नंबर को सेलेक्ट करना है और जो आपको SR नंबर मिला है यहाँ पे टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टेटस ओपन हो जाता है कि आपने जो भी आधार कार्ड में अपडेट कराए हैं वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर दोस्तों अगर आप आधार सेंटर पर जाकर आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का अगर आप अपडेट करवाए हैं, जैसे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ अगर आप आधार कार्ड में अपडेट करवाए हैं और काफ़ी दिन हो गया है अपडेट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस को ट्रैक करना होगा कि स्टेटस में क्या दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों आपने आधार सेंटर पे जाकर अपडेट करवाए होंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिला होगा और उस रिसिप्ट में इनरोलमेंट एक आईडी दिया हुआ रहता है 14 डिजिट का। तो यहाँ पे 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर को टाइप करना है। उसके बाद उस रिसिप्ट पर डेट लिखा हुआ रहता है, किस डेट में आपने अपडेट करवाए हैं, उस डेट को यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। और उसी रिसिप्ट में टाइम भी लिखा हुआ रहता है, किस टाइम में आपने अपडेट करवाए हैं, टाइम को भी यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। और डेट टाइम को किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्जांपल में बताया गया है, इसी प्रकार से जो है कि डेट टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कैप्चा कोड, कैप्चा कोड को सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है सबमिट। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टेटस ओपन हो जाएगा कि आपने जो आधार कार्ड में अपडेट कराए हैं वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर अपडेट नहीं हुआ है, काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसे ठीक करना होगा। कैसे ठीक करना है, उसके लिए सबसे पहले बैक हो जाना है और बैक होने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक सर्विस देखने के लिए मिल जाता है ग्रीवेंस का, इस सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपना फुल नेम को टाइप करना है, मोबाइल नंबर को टाइप करना है, ईमेल आईडी है तो टाइप करना, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि अगर आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, आधार कार्ड में अगर अपडेट नहीं हुआ है और आपका है, तो उसके लिए सेल्फ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक टाइप को सेलेक्ट करना है, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट करवाए हैं और काफ़ी दिन हो गया है अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है अपडेट रिलेटेड, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, क्या आपने आधार कार्ड में अपडेट करवाए हैं जो अपडेट नहीं हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बताया गया है कि अगर आप मोबाइल नंबर को अपडेट करवाए हैं, लिंक करवाए हैं और 30 दिन हो गया है, 30 दिन से ज़्यादा हो गया है और अंडर प्रोसेस में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जो दिख रहा है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप आधार कार्ड में किसी प्रकार का कुछ भी अपडेट करवाए हैं और काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है,
30 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप आधार सेंटर जाकर अपडेट करवाए होंगे तो आपको एक इनरोलमेंट आईडी नंबर मिला होगा, यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना है, या फिर खुद से आप अपडेट किए होंगे तो आपको एसआर नंबर मिला होगा, यहाँ पे टाइप कर देना है। और जो आपको रिसिप्ट मिला है उस रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना है कब आपने अपडेट करवाए हैं, कितना दिन हो गया है, क्या अपडेट करवाए हैं, उसके बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कंप्लेन दर्ज हो जाता है। उसके बाद फिर आपको वेट करना है, जल्दी आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आधार कार्ड में अपडेट किया हुआ काफ़ी दिन हो गया है, तो इस प्रकार से जो है कि आप कंप्लेन रिक्वेस्ट करके आप यहां से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं।